वायरस कोविड-19। इस महामारी ने 2020 में पूरे विश्व को हिला के रख दिया। पूरी दुनिया में अब तक 1.88 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई। कितने लोगों को वापस अपने शहर जाना पड़ा, अपने सपनों को अधूरा छोड़ के। कितने लोग इस महामारी की भरपाई कर रहे हैं और ना जाने आने वाले कितने समय तक करते रहेंगे। जहां 2020 भले ही खत्म हो चुका है, वहीं कोरोना वायरस अब तक हमारे बीच में मौजूद है। जी हाँ, केसेस कम हो गए हैं, डेथ्स कम हो गई हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि कोरोना वायरस अब तक हमारे बीच में है। अब अगर बात करें कोरोना वैक्सीन की, जिसकी ड्राई रन ऑलरेडी इंडिया में शुरू हो गई है, सवाल ये उठता है कि ये वैक्सीन आम आदमी तक कब तक पहुंचेगी, और जब ये पहुंचेंगी क्या ये वैक्सीन एक आम आदमी फिनेंशियली अफोर्ड कर पाएगा, और क्या वाकई ये वैक्सीन 100% इफेक्टिव है। सवाल कई है, जवाब एक भी नहीं, क्योंकि इसका जवाब ना ही हमारी सरकार के पास है और ना ही हेल्थ ऑफिशियल्स के पास। सबसे पहली बात, इंडियन वैक्सीन्स कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड को ऑफिशियली अप्रूव किया गया है सिर्फ और सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए। अब तक सरकार किसी भी तरह का प्लान नहीं बना पाई है कि ये वैक्सीन आम आदमी तक कब पहुंचेगी। फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट का मेन फोकस है कि ये वैक्सीन सबसे पहले हमारे इंडिया के सारे हेल्थ वर्कर्स तक पहुंच जाए। इंडिया की पॉपुलेशन को अगर आप कैलकुलेट करें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वैक्सीन को आम आदमी तक पहुंचने के लिए काफी टाइम है। दूसरी बात, ये वैक्सीन जब आम आदमी तक पहुंचेगी तो क्या ये अफोर्डेबल होगी। जहां SSI का ऑफर प्राइस 250 के करीब है, वहीं भारत बायोटेक ने 350 ऑफर किया है वैक्सीन के एक डोज के लिए। ऑफकोर्स जब ये वैक्सीन मार्केट में फाइनली आएंगी, इनकी कीमत एडिशनल सप्लाई स्टोरेज एंड हैंडलिंग कॉस्ट की वजह से इसकी कीमत 5 गुना ज्यादा हो जाएगी, यानी एक डोज तकरीबन 2000 के करीब होगा। अब इंडिया में 800 लाख लोग तो ऐसे हैं जो अपने लिए एक वक्त का खाना तक नहीं जुटा पाते, तो क्या ये लोग 2000 की वैक्सीनेशन अफोर्ड कर पाएंगे, और क्या सरकार स्पेशली ऐसे लोगों के लिए फ्री वैक्सीनेशन की सर्विसेज शुरू कर पाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि वैक्सीन के काफी साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे तेज बुखार, सर्दी, खांसी। पर एक सच ये भी है कि हर वैक्सीन के कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स जरूर होते हैं। सवाल कई सारे हैं एंड इनका जवाब बस एक ही है, सब्र। हमें सब्र रखना होगा। जिस तरह से हमने अब तक कंटिन्यू किया है सेफ्टी लेना, प्रिकॉशन लेना, हमें वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। और बस दुआ करना होगा कि कोरोना जल्द से जल्द हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए, ताकि हम फिर से बिना डरे जिए एंड स्पेशली घर से बिना डरे बाहर निकलना शुरू कर दें।